बर वठा थर वठा वठी कच्छ किनार, बर वठा थर वठा वठी कच्छ किनार, पोयाड़ी पटन ते सुनायाऊं नार। पटन ते सुनायाऊं नार, सबाजे सतार लाथा दुर्त देहता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईगल टीवी के नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने हमारे अगले वीडियो मुमताज़ अली बापू के बहुत पसंद फरमाए। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने देखा, लाइक किया, शेयर किया, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करते हुए तमाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और आपकी खिदमत में एक और बेहतर वीडियो पेश कर रहा हूँ, मगर उससे कबल आपने मुझे जो मैसेज किया है उसका मैं आपको कमेंट किया है उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा कि यानी मुमताज़ अली बापू जो कहाँ रहते हैं, तो रहने का उनका जो पता है वो है मदीना मस्जिद सलाया के अंदर है, सलाया कच्छ मांडवी वाला। तो ये कच्छ मांडवी वाला सलाया है जहाँ पर बापू रहते हैं। तो सलाया में अक्सर वो मस्जिद के करीब बापू की एक बैठक है जहाँ बापू तशरीफ़ फरमा होते हैं, मदीना मस्जिद जिसका नाम है। और इसका फेमस एरिया का नाम है गोलाई वाली बत्ती, तो वहाँ से आगे मदीना मस्जिद है, तो वहाँ बापू रहते हैं, अक्सर उनकी बैठक में ही रहते हैं। कभी के बार बापू नज़दीक में एक छोटा सा घर है, वहाँ खाने वगैरह के लिए या दावत वगैरह पे जाते हैं, मगर वो सलाया गांव छोड़कर कहीं दूर नहीं जाते। तो जब भी लोग आते हैं मुलाकात अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो जिन जिन लोगों को मुलाकात करनी है वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि बापू कौन से दिन मिलेंगे या कहाँ मिलेंगे, तो बापू डेली सर्विस वहीं पर भी रहते हैं। हाँ, अगर बापू का कभी के बार कब्रिस्तान में ज़्यादातर बापू वहाँ रहते हैं तो वहाँ निकल गए तो भी नज़दीक है, कोई दूर दराज नहीं है या इलाका नहीं है कि बापू ना मिले, मगर वो तीन चार जगह है वहाँ पर बापू मिल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बापू मिलेंगे नहीं और मायूस हो जाएंगे आप लोग, काफ़ी दूर दराज से तशरीफ़ लाएंगे फिर आपको मुलाकात नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। बापू अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह वहीं पर ही रहते हैं, या तो फिर मेरा रابطہ करें मेरे नंबर पे, तो इंशाल्लाह मैं आपको मुलाकात करवाने की कोशिश करवा दूँगा। और ना तो बापू के दरबार में कोई वहाँ खादिम वगैरह रहते हैं, ना कोई ऐसा है कि बापू के पास आपको कुछ हदिया वगैरह देना पड़ता है, ना कुछ हदिया देना पड़ता है। बापू के दरबार में सिर्फ और सिर्फ दुआ के लिए लोग आते हैं और वहाँ से बापू दुआ लेके जाते हैं। इंशाअल्लाह उल अज़ीम आप मेरा रابطہ करेंगे तो मैं बापू के दरबार में लेके जाने की कोशिश करूँगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है उनमें से कई लोग जो है कॉल भी किए थे, वीडियो कॉल करने की कोशिश की थी, मगर वो ऐसा होता है कि बापू जब मुलाकात होती है तब वीडियो कॉल पर बात हो सकती है। तो ये भी है कि बापू खुद बात तो करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ इशारे से बात करते हैं, कभी के बार हाथ वगैरह से इशारा या सर से इशारा कर देते हैं दुआ के लिए लोग कहते हैं। तो वो भी मस्जिद बंदे हैं, इसलिए इनको ऐसा नहीं है कि कोई मुझे कॉल करे या फिर मैं मोबाइल रखूं या मोबाइल पे बात करूं, ऐसा नहीं होता। ये मस्जिद बंदे जो अपनी मस्ती में रहते हैं हमेशा, और कभी के बार जो लोग आते हैं दुआ लेने के लिए तो दुआ इन लोगों की दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनता है मस्जिद बंदों की। तो इंशाल्लाह आप भी दुआ करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी दुआ इंशाल्लाह अल्लाह अपने हबीब के सदके ऐसे मस्जिद बंदों के ज़रिए इंशाल्लाह ज़रूर सुनता है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और आगे इसको शेयर करते रहें, लाइक करें हमारे इस वीडियो को। और जो लोग बापू के दरबार में आना चाहते हैं तो वो मेरा रابطہ कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो लोग मुझे दुआ के लिए कहाँ हैं उनमें से कई लोग हमारे पास भी आए और बापू से मुलाकात भी करके चले गए, इंशाल्लाह जो भी आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे मुलाकात कराने की मैं कोशिश करूँगा। और अक्सर मुझे जो कॉल करते हैं हमारे दोस्त महमूद खान जो कुवैत में रहते हैं, उनका कुछ वीज़े वगैरह का प्रॉब्लम था, तो वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह उनका लग तो गया है इंशाल्लाह, और भी जो उनका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, ये भी उनके बापू की दुआ से हो गया है।
तो मैं ख़ास उनके लिए दुआ करता हूँ। और इसके अलावा दुबई से मेरी बहन है, उनके लिए मैं दुआ करवाता हूँ। राजस्थान से आज मुझे कॉल आई थी, मुंबई से आई थी, कलकत्ता से, केरला से ऐसी कॉल आई थी, कनाडा से कॉल आई थी। कॉल मुझे लोग करते हैं, कॉल का मैं जवाब देने की भी कोशिश करता हूँ, मगर कोई लोग रात के वक्त कॉल कर देते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग दिन में ही कॉल किया करते। मैं कोशिश करूँगा आप तमाम को जवाब देने की। और कभी कभार लोग एड्रेस पूछते हैं, तो मैं एड्रेस तो बता चुका हूँ आपको कि सलाया मांडवी कच्छ, जो भुज कच्छ कहा जाता है, भुज से 60 किलोमीटर दूरी पे ये सलाया मांडवी है, तो वहाँ बापू मिल जाते हैं। और हमारा पिन कोड नंबर है 370-465, तो इसी पिन कोड पे आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, नेट पे भी आप सर्च करेंगे मांडवी सलाया तो भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आपको फिर भी एड्रेस नहीं मिल रहा तो मेरा रब्ता आप कर सकते हैं, जहाँ कहीं से भी आपको आना है तो वहाँ नेट वगैरह पे आप देखेंगे, मांडवी सलाया करेंगे तो मैप पे आपको बता देगा कि आपके गांव से कितना दूर है और किस तरह आपको आना है। और इस तरह से इंशाल्लाह बापू का रब्ता हो जाएगा। बापू के दरबार में कई लोग आए हैं, दुआ ली है, अलहमदिल्ला उनको फैज भी हुआ है। और कितने लोग जो अभी भी आना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जब भी आएँ इंशाल्लाह मुलाकात हो जाएगी। एक दिन का ख्याल रखें, जुम्मे के दिन ना आए, क्योंकि नमाज वगैरह का होता है, तो उसी टाइम आप भी परेशान हो जाएंगे, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, तो आप लोग की खिदमत नहीं हो पाएगी। इसलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जुम्मे के दिन ना आए, बाकी तमाम दिनों में आ सकते हैं और कॉल करके आए, तो आपकी हम लोग खिदमत भी कर सकें इंशाल्लाह। आइंदा जो कॉल करें तो आप एहतियात रखें, रात के टाइम कॉल ना करें। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल जितने भी लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारा नया वीडियो जब भी होगा आपकी खिदमत में बआसानी आपको हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको ये मस्जिद का भी वीडियो भी दिखा जा रहा है कि जिसके अंदर लिखा हुआ मदीना मस्जिद सलाया, तो उसके अंदर बापू वहाँ जहाँ बापू रहते हैं वहाँ बापू की बैठक ही है, और वो प्रचलित एरिया है, यानी प्रख्यात है, फेमस है, तो वहाँ बापू इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। तो आप जितने भी लोग हैं मेरा रब्ता कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया गया है, तो उस नंबर पे कॉल करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी यही है, तो भी इसी व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हो, तो इंशाल्लाह मैं दुआ करवाने की कोशिश करूँगा। और जिन जिन लोगों ने मुझे कॉल किया है दुआ के लिए, उनमें से दुबई, मस्कत, कोलकाता, दिल्ली, अजमेर, महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, केरला, बेंगलोर, MP, राजस्थान, गुजरात, इस इलाके के अलावा तमाम लोगों ने, जिन जिन लोगों ने मुझे कॉल किया है, तमाम का नाम भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नाम पेश करने की। एक मेरी बहन है, उन्होंने अभी कॉल किया था मुझे कि उनका कुछ घरेलू मामलात है, उसके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। जो जो लोग अपने बच्चों से परेशानी है या बच्चे अपने वालिदैन से परेशानी है, तो आपस में अल्लाह पाक उनको इत्तेफाक मोहब्बत अता फरमाए, ऐसी मैं दुआ कराने की कोशिश करता हूँ हमेशा। दुआ भी करता हूँ तमाम के लिए कि अल्लाह पाक तमाम को खुशहाल रखे। जो जो लोग मुझे रोज़ी के लिए कहाँ, तमाम की रोज़ी में मौला अपने हबीब के सदके बरकत अता फरमा दे। और ऐसे मज्जूब बंदों की दुआ के तुफैल अल्लाह पाक तमाम को सेहत बख्शे। जो लोग बीमार हैं, तो उन बीमारी के लिए भी दुआ करता हूँ बापू के दरबार में, बापू आप दुआ फरमा दे, तमाम की बीमारियाँ दूर हो जाए। बापू के दरबार में एक बंदा जो किडनी का पेशेंट था, वो भी आया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी फैज हासिल हो चुका है इंशाल्लाह। और भी दुआ करवाएंगे, तो जो लोग अपनी बीमारी से परेशान है, औलाद को लेकर परेशानी है, जिनको औलाद नहीं है औला, उनके लिए तमाम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक बीमारी से शिफा अता फरमाए। और अल्लाह पाक उनको, जो जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, ऐसी दुआ करता हूँ मैं इंशाल्लाह। आइंदा फिर से इस बेहतर वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, और इंशाल्लाह मैं ऐसी, मेरी कोशिश है कि मैं जितने लोग हैं उनको अल्लाह वालों की मैं ज़ियारत कराता रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ईगल टीवी को एक बड़ा एक एजाज़ हासिल है कि हमेशा अल्लाह वालों का जिक्र ही करते रहते हैं। और मेरा जो चैनल है वो 24 आवर लाइव चैनल चालू रहता है। प्ले स्टोर में मेरा एप्लीकेशन भी है, आप उसको भी डाउनलोड करके हमारा चैनल देख सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब में जो हमारा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो को, दूसरे वीडियो देखने के लायक हैं वो भी आप देखें इंशाल्लाह। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनमें से ये हमारा वीडियो शेयर करें, ताकि हमको भी मालूम हो कि आप हमारे चैनल को पसंद फरमाते हैं। और करोड़ों लोगों ने इस वीडियो को देखा है, जो ईगल टीवी की वीडियो है, और भी वीडियो को करोड़ों लोगों, हमारे व्यूवर्स हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह तमाम से मेरी गुजारिश है कि ईगल टीवी को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आपके मेज़बान आईजे सैयद को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।